तो ये मेरा रिज्यूमे था जब मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था गूगल में। तो लोगों ने बहुत कुछ किया होता है, राइट? पैराग्राफ बना के लिख देते हैं। इंटरव्यूअर को मौका दो क्वेश्चंस पूछने का। अगर तुम इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दोगे वो पढ़ के ही बोर हो जाएगा, वो तुमसे क्या ही पूछेगा इस बारे में, उसको लगेगा इसको तो सब आता। लोग इम्पैक्ट नहीं लिखते हैं, राइट? क्या इम्पैक्ट पड़ा? बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं रिक्रूटर्स एंड इंटरव्यूअर्स के पास। मतलब लोगों ने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में भी जैसे ना काफी कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है? मतलब ऐसा पढ़ के ऐसा लगता है भाई दुनिया ही बदल दी। सो यार, इस वीडियो में अपने साथ हैं अभिषेक जिंदल, हु इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल इन सिएटल, एंड हम देखने वाले हैं इस वीडियो में उनका रिज्यूमे कैसा दिखता था जब उन्होंने गूगल में अप्लाई किया और वो सिलेक्ट हुए। बट उससे पहले यार, रिज्यूमे स्कूल को इतना सारा प्यार दिखाने के लिए आप सबका शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने आके अपना रिज्यूमे स्कूल में बनाया है, वहाँ पे रिव्यू करने के लिए अपलोड किया है, एंड बहुत सारे लोगों को अपनी ड्रीम कंपनीज में वहाँ पे रेफरल भी मिल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिल रही है जिससे आपकी जॉब लगने में हेल्प होगी। डेली आपको एक जॉब ओपनिंग्स का न्यूज लेटर भेजा जाएगा, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज दिए जाते हैं, आपको फैंग में काम करने वाले इंजीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करने का चांस भी मिलेगा एक जूम सेशन में, एंड बहुत सारे लोगों को रिज्यूमे रिव्यू हम बिल्कुल फ्री में भी दे रहे हैं। अराउंड 1000 से ज्यादा लोगों ने फ्री में रिव्यू लिया है। फ्री वाली विंडो अभी के लिए कुछ टाइम के लिए बंद है, बट बहुत ही जल्दी खुल जाएगी, तो आप फ्री में भी अपना रिज्यूमे रिव्यू करवा सकते हो। एंड जिन लोगों ने पहले फ्री के लिए अपलोड किया है उनके लिए थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ेगा, आपको जल्दी ही अपना रिव्यू मिल जाएगा। तो अगर आप अभी एक जॉब ढूंढ रहे हो या इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो और आपने रिज्यूमे स्कूल चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाके करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चलिए वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो हेलो अभिषेक, वेलकम टू द कोड स्कूल फॉर द थर्ड टाइम नाउ। वैसे तो काफी लोग तुम्हें जानते ही ऑलरेडी, बट जो नहीं जानते एक प्लीज छोटा सा इंट्रो उनके लिए दे दे। या हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक जिंदल, एंड आई थिंक लास्ट टाइम हमने जब वीडियो बनाया था या पॉडकास्ट किया था तो हमने MS in USA के बारे में बात की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वो वीडियो देखने के लिए। आई थिंक काफी लोगों ने रीच आउट भी किया लिंक्डइन पे, एंड काफी लोगों की मैं मतलब जितना मैं हेल्प कर सकता था करी, बट कई लोगों को मैं रिवर्ट बैक नहीं भी कर पाया, तो मैं ट्राई करूंगा अगर कर सकूं तो। हाँ, तो इंट्रो यही है कि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल राइट नाउ, एंड बिफोर दैट आई डिड माई इंटर्नशिप एट गूगल सिएटल ऑफिस, and before that I did my masters, and before my masters I was in India and I was working at Goldman Sachs. तो अभिषेक सीधा पॉइंट पे आते हैं, ज्यादा लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो जो तेरा रिज्यूमे था जब तू गूगल में सेलेक्ट हुआ फॉर इंटर्नशिप, एक बार वो गो थ्रू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अगर किसी को रिज्यूमे बनाना है तो किस टाइप का बनाना चाहिए, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, क्या मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। तो एक बार प्लीज हम रिज्यूमे देखते हैं और वॉक थ्रू करते हैं उसको ऊपर से नीचे तक। हाँ बिल्कुल। तो ये मेरा रिज्यूमे था जब मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था गूगल में, ठीक है? हाँ, मतलब बेसिक डिटेल्स हैं पहले तो कि नेम एंड एड्रेस वगैरह क्या है, और फिर आई थिंक इट्स वेरी रेलेवेंट टू प्रोवाइड अ लिंक्डइन लिंक हियर एंड गिटहब लिंक सो दैट पीपल कैन जस्ट गो थ्रू, इंटरव्यूअर्स और रिक्रूटर्स कैन जस्ट गो थ्रू एंड चेक कि बंदे का क्या प्रोफाइल है, बंदे ने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, है ना? और उसके बाद जनरली वही मतलब एजुकेशन डिटेल्स रहती हैं कि हाँ अगर MS था तो उसकी GPA क्या है और एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट क्या है, और उससे पहले फिर अंडरग्रेड की डिटेल्स एंड फिर उसका GPA एक्सेट्रा। आई थिंक उसके बाद फिर मैंने स्किल्स मेंशन किया था। स्किल्स में मैंने मतलब जावा, C++, मतलब बेसिक जो भी मुझे आता था, तो मैंने ये सब यहाँ पे मेंशन कर दिया था, ठीक है? तो इसमें आई थिंक स्किल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने लेट से किसी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा भी काम किया है वो इसमें लिख देते हैं, तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड अप्रोच। तो जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें अच्छे से पता है, हमने अच्छा काम किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वही इसमें लिखने चाहिए, राइट? राइट, हाँ, I think मेरा भी ओपिनियन वही है। मतलब काफी लोगों ने बहुत कुछ लिखा होता है, गिट, ओपन स्टैक, पता नहीं क्या कुछ लिखा होता है लोगों ने, और फिर उनको उतना पता तो होता नहीं है। अब जैसे ये बात जीरा लिखा होता है लोगों ने तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। एक बंदे ने क्या लिख रखा था, Ubuntu। अब यार Ubuntu थोड़े तुमने बनाया है, मतलब ये तो पता भी नहीं होगा, है ना, कि कैसे स्केड्यूलर या डिस्पैचर वगैरह काम करते हैं। तो आई थिंक उतना ही लिखना चाहिए जितना आता हो, फालतू की ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डिटेल्स, है ना, और ये सब टूल्स की डिटेल्स नहीं मेंशन करनी चाहिए, ठीक है? अब क्योंकि अगर तुम वो मेंशन करते हो तो लोगों को लगता है अच्छा गिट भी तुम्हारी स्किल है, और फिर तुम्हें अगर पूछ लेते हैं कि यार गिट कैसे मेंटेन होता है तो तुम्हें तो वो पता ही नहीं होता, तुम्हें तो बस पुल पुश करना आता है, राइट, गिट से। फिर लोग बोलते हैं हां गिटहब यूज किया था एक बार वहां पे रेपो अपलोड, राइट? तो ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड था, वो उसको किसी ने पूछा कैसे गिट काम करता है, बोलता है मेरे पास तो एक टॉर्टोइस गिट है उससे हो जाता है। तो मतलब दैट
that results in a negative impression, to be honest. So I think मैं बहुत basic prefer करता हूँ कि हाँ भाई Java, C, C++ जो basic चीजें हैं, Python, और फिर उसके बाद जो जो तुम्हारा experience है, जो जो तुमने technology use की, और बस वही सब. चाहे चीजें कम हैं, लेकिन जो अच्छे से आती हैं वो लिखो, चाहे कम लिखो. I think काफी लोग आजकल उसके लिए भी करते हैं कि एक वो ATS score मिल जाएगा, right? कि automatically resume pickup हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं. बट आई थिंक अब जैसे तुम जावा बैकएंड डेवलपर के लिए कर रहे हो, उसमें तुमने AI टेक्नोलॉजीज भी लगा रखी हैं ताकि ATS हो जाए, इसको कोई सेंस ही नहीं है, राइट? तो आई थिंक अगर एक जॉब प्रोफाइल देख लो और उसके रेलेवेंट स्किल्स भी लिख दो, आई थिंक दैट्स आल्सो अ गुड आइडिया. कि लेट्स से तुम्हें बहुत कुछ आता है, 20 स्किल्स है, राइट? बट तुम जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग 5-7 स्किल्स लिखो, ताकि मतलब कंसाइज रहे वो. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप भी अभिषेक के जैसा बहुत ही इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव रिज्यूमे बनाना चाहते हो, देन आप अपना रिज्यूमे रिव्यू के लिए अपलोड करो रिज्यूमे स्कूल पर, जहां पे आपको रिव्यू के साथ साथ आपकी ड्रीम कंपनीज में रेफरल भी मिलेगा एंड जॉब सर्च में बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलेगी. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. तो फिर उसके बाद फिर मैंने वही वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर दिया था. और वर्क एक्सपीरियंस में बेसिकली मैं टीए था एमएस के दौरान, तो मैंने मतलब वो सब लिख दिया था कि हाँ मैं टीए था और मेरा क्या क्या रोल था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मेन तो यहाँ पे आते हैं, मतलब जो मेरा इंडिया में एक्सपीरियंस था, राइट? और तो मतलब मैंने अपने प्रोजेक्ट्स लिख दिए कि यार मैंने क्या डिजाइन किया, क्या डेवलप किया. आई थिंक मतलब एक पॉइंट मैं ये रेज करना चाहूंगा कि जैसे लोगों ने 2 साल या 4 साल काम किया होता है, तो लोगों ने बहुत कुछ किया होता है, राइट? तो लोग ना उसको मतलब ऐसे एकदम ऐसे बड़ा सा पैराग्राफ बना के लिख देते हैं. तो आई थिंक दैट्स जनरली नॉट अ गुड आइडिया. रिज्यूमे शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प. तो मतलब तुम उसमें मतलब मेन चीजें लिखो यार. अब तुम उसमें लिख रहे हो I worked on a bug fix. Everyone fixes bugs generally, right? तो उसको कोई ज्यादा सेंस नहीं है मतलब लिखने का. जो बंदा पढ़ने वाला उसको भी थोड़ा मजा आना चाहिए पढ़ के. वो कह रहा बग फिक्स किए थे, हाँ यार मैं भी वही करता हूँ. तो मतलब कुछ समझ नहीं आया, राइट? और जो प्रोजेक्ट भी अगर तुम लिख रहे हो, प्रोजेक्ट के बारे में भी अगर लिख रहे हो, तो उसका अगर तुम एक दो लाइन भी लिख दोगे, दैट इज आई थिंक इनफ. क्योंकि अगर इंटरव्यू को उसमें इंटरेस्ट है वो जानने में, तो वो बात करेगा उसके बारे में. इंटरव्यू में पूछेगा कि हाँ तुमने क्या किया इसमें एग्जैक्टली, उस पर पूरा चांस रहेगा आपके पास की डिटेल में बता सकते हो उनको. बट ऐसा नहीं है कि इसी में पूरे 5 लाइन लिख दो, उसके 10 लाइन लिख दो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया. आपने किया बहुत अच्छी बात है, बट एक दो लाइन में ही उसको खत्म करो. थोड़ा ऐसा क्रिस्प रखो, शॉर्ट रखो. बिल्कुल, आई थिंक वो भी हाँ बहुत सही पॉइंट है ये कि इंटरव्यूअर को मौका दो क्वेश्चंस पूछने का. अगर तुम इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दो कि वो पढ़ के ही बोर हो जाएगा, वो तुमसे क्या ही पूछेगा इस बारे में, उसको लगेगा इसको तो सब आता. थोड़ा सा ना ऐसे टीजर दे दो, राइट? ताकि वो तुम्हें पिक्चर के बारे में पूरा पूछे अच्छे से. इससे उसको भी लगता है उसने कुछ पूछा, और तुम्हें तो वो आता ही है बताना, राइट? तो तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और इंटरव्यू का टाइम भी जाता रहता है. आई थिंक एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मतलब मैंने लोगों के रिज्यूमे में मिसिंग देखी है कि लोग इम्पैक्ट नहीं लिखते हैं, राइट? और जैसे डिजाइन एंड डेवलप सभी कर रहे हैं, बट उससे क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा. तो आई थिंक मैट्रिक्स लिखना भी एक अच्छा आइडिया है, एटलीस्ट एज पर माई ओपिनियन. That's a very good point. Impact क्या हुआ? Companies में impact ही measure होता है क्योंकि. बिल्कुल. अब जैसे तुमने यार, जैसे मैंने ये लिख दिया remodeling का core service, तो बड़ा vague है. Core service है, remodel कर दिया. हुआ क्या? उससे अगर तुम लिख रहे हो कि हाँ यार memory footprint कम हो गया, ठीक है, performance बढ़ गई, ठीक है, फिर let's say algorithm बनाया, उससे भी performance बढ़ गई. तो आई थिंक ये मैट्रिक्स बड़े इजीली दिखते हैं. ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस लिखे होते हैं, उसमें नंबर्स होते हैं ना, 2 times, 3 times, 70%, 50%, तो वो एकदम से दिखता है, राइट? और उसपे सबसे पहले नजर जाती है. और अगर कंपनीज में इतने बड़े, मतलब अगर हमने 10% भी कुछ इंप्रूव किया है, दैट इज ऑल्सो बिग थिंग. अगर हम किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ 1 million कॉस्ट था किसी चीज का, हमने 10% कम कर दिया, सो दैट इज कि हम उसको 900K पे ले आए, सो 100K हमने बचाया, वो भी बहुत बड़ी बात होती है. तो नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं यहाँ पे. बिल्कुल, वो डेफिनेटली लिखना चाहिए, और उसी से समझ आता है बंदे को, मतलब सामने वाले पढ़ने वाले को, कि हाँ यार इसने क्या किया है और इसका इम्पैक्ट क्या था, ठीक है. आई थिंक लोग ये सोचते हैं कि मतलब जब लोग पूरा पूरा लिखते हैं, तो उनको ये लगता है कि इंटरव्यूअर समहाउ उनका ही रिज्यूमे पढ़ने बैठा है. ऐसा जनरली होता नहीं है यार. मतलब बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं रिक्रूटर्स एंड इंटरव्यूअर्स के पास, तो उनको एकदम बहुत ही शॉर्ट में जानना है यार तुमने क्या किया और कुछ सब्सटेंशियल किया है, तो ही इंटरव्यू लेगा ना. वैसे तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल अप्लाई, राइट? एंड इंटरव्यू कांट टेक इंटरव्यू फॉर ऑल ऑफ देम.
तो वो आई थिंक एक इम्पोर्टेंट बात है. मतलब तुम तो हाँ ऐसा बनाओ कि शॉर्ट में सब कुछ कवर भी हो जाए और बहुत लंबा भी ना हो, एकदम क्रिस्प टू द पॉइंट रखनी है चीजों. ऐसा नहीं तो ज्यादा लिखने के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, कोई बोर्ड एग्जाम्स नहीं है ज्यादा लिखने के मार्क्स मिल रहे हैं. राइट, अगर कोई टेम्पलेट की बात करें तो बस ऐसा है कि तुमने मतलब तुमने डिजाइन किया या डेवलप किया, क्या डिजाइन एंड डेवलप किया, ज्यादा ज्यादा तुम टेक्नोलॉजी लिख सकते हो. जनरली मैं तो वो भी नहीं लिखता हूँ, ठीक है, ताकि इंटरव्यूअर ही पूछ ले कि भाई क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की थी इसमें, है ना. तो उसमें एक और पॉइंट मिल गया उसको पूछने का, मुझे भी एक और पॉइंट मिल गया बताने का, है ना. तो उसको लगे अच्छा इसको ये तो पता ही था, राइट. वो हो जाता है. बट कुछ लोग टेक्नोलॉजीज भी लिख देते हैं साइड में, तो दैट्स ऑल्सो नॉट अ बैड आइडिया, तो वो भी तुम लिख सकते हो. उससे कई बार ये लग जाता है, लेट्स से आई एम लुकिंग फॉर एज अ कंपनी आई एम लुकिंग फॉर इंजीनियर्स हु नो नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस, और किसी ने लिखा है कि जब मैं इंटर्न था इनमोवी में देन आई डेवलप दिस फ्रंट एंड यूजिंग नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस, तो मुझे लगेगा हाँ ये मेरे काम का बंदा है. सो वो वहां पे यूज हो सकता है, वहां पे उसका एडवांटेज हो सकता है. सो दैट इज ऑल्सो अ गुड अप्रोच. मतलब ये भी दिस इज ऑल्सो गुड, बट वो भी काम कर सकती है किसी केस में. बिल्कुल, टेक्नोलॉजीज जनरली लिखनी चाहिए. Somehow, मेरी मतलब जावा वगैरह ही था तो मैंने उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया. ऊपर वैसे लिखा ही हुआ है तो वो मैच हो जाएगा. आई थिंक मैंने देखा ऊपर लिखा ही हुआ है ना स्किल्स वाला सेक्शन. राइट राइट, बट अगर किसी ने बहुत ही ऐसे कटिंग एज कुछ तो किया है, राइट, एआई मॉडल्स वगैरह पे काम किया, तो डेफिनेटली दे शुड मेंशन द टेक्नोलॉजी सी. तो हाँ, टेम्पलेट वही है, डिजाइन डेवलप क्या किया छोटा सा बस, और क्या इम्पैक्ट रहा, और टेक्नोलॉजीज, आई थिंक दैट्स गुड इनफ. और उसके बाद हाँ, सिंस मैं मतलब मास्टर्स में था, आई थिंक मतलब एनी इंटरव्यूअर रिक्रूटर वुड आल्सो एक्सपेक्ट कि थोड़े एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हों. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट मास्टर्स, इवन इफ यू आर डूइंग अंडरग्रेड, राइट, पीपल वर्क ऑन डिफरेंट एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, दे वर्क ऑन पेट प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ, राइट. सो आई फील लाइक देयर शुड बी वन मोर सेक्शन, है ना, फॉर प्रोजेक्ट्स. एंड इवन इन प्रोजेक्ट्स यू डोंट हैव टू लाइक mention a lot of things. For example, मतलब लोगों ने academic projects में भी जैसे ना काफी कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है, मतलब ऐसा पढ़ के ऐसा लगता है भाई दुनिया ही बदल दी. मतलब तो उतना होता नहीं academic project में, right? academic project एक छोटा project रहता है जिसमें तुम basic चीजें लिखते हो और थोड़ा सा बंदे को बताने का try करते हो, right? जैसे हमने एक छोटा सर्च इंजन बनाया था, है ना, तो हमने लिख दिया कि हाँ इमेज बेस्ड सर्च इंजन था. फिर एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम बनाया था, फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया, राइट. उतना बहुत है, वही डिजाइन डेवलप, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी, छोटा मोटा मॉडल का ना बस, उसके बाद बंदे को पूछने दो, ठीक है. टीजर दे दिया तुमने, अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो वो पूछ लेगा तुमसे, आई थिंक. हाँ बस यही बेसिक ही है मतलब रेज्यूमे तो. बट एक पॉइंट मैं बस ऐड करना चाहूंगा कि हो सके तो वन पेज रेज्यूमे ही बनाओ, अनलेस और अंटिल यू हैव 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. फॉर एग्जांपल मुझे जैसे 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था, फिर मतलब वही मास्टर्स का भी थोड़ा सा अगर मतलब काउंट करें कि उसका भी लिखना पड़ेगा, स्टिल आई प्रेफर टू यूज मतलब वन पेजर, ठीक है, ताकि बस फटाफट बंदा पढ़े, है ना, जो भी मतलब पैनल है पढ़े और ठीक है डिसाइड कर ले क्या करना है. नहीं तो लोग कॉलेज में ही अंडरग्रेड में ही 2-3 पेज का बना देते हैं, सब लिख देते हैं ये प्रोजेक्ट बनाया था, ये प्रोजेक्ट में ये किया था, तो वो बहुत ही गलत अप्रोच है. एक पेज आई थिंक शुड बी इनफ, एक पेज शुड समराइज कि तुमने पूरे कॉलेज लाइफ में क्या किया है, और अगर कुछ नहीं फिट आ रहा तो थोड़ा उससे छोटे सेंटेंस में लिख दो, ताकि जो इंटरव्यूअर है उसको क्यूरियोसिटी रहे पूछने की, कुछ तो रहे उसको भी. एंड प्लस एकेडमिक प्रोजेक्ट्स पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ लोग ना बहुत ही फेक चीजें लिख देते हैं प्रोजेक्ट्स में. कुछ वो क्या करेंगे, नेट से कोई प्रोजेक्ट उठा लेंगे, कोड कॉपी पेस्ट किया, वो चला दिया, फिर बोल देंगे हाँ हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था. या फिर वो ऐसे किसी ग्रुप का पार्ट थे जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया उसमें, वो लिख देंगे कि हाँ हमने बनाया था. तो ये तो बहुत गलत अप्रोच होती है, इसमें तो बहुत फंस सकते हैं हम इंटरव्यू में आगे ना. लेट्स से तुम इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट भी हो गए, बट इंटरव्यू में फंस सकते हैं. इंटरव्यूअर पूछेगा कि हाँ तुमने क्या किया था इसमें, तुम क्या बोलोगे उसमें. अगर लेट्स से तुमने रटा रटाया कुछ बोल भी दिया कि हाँ मैंने ये कंपोनेंट बनाया था, अगर उसने और थोड़ा डिटेल में चला गया तो फिर तो फंस गए तुम. मतलब फिर तो देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम देयर, फिर तो कुछ है, क्योंकि बिल्कुल जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं उसके बारे में ना एक एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि तुम्हारा क्या रोल था इसमें, क्या तुमने
प्रॉब्लम्स फेस किए बनाते हुए, क्या चैलेंजेस फेस किए, तो ये ना कुछ एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें तभी आ पाएगा, उसके आंसर्स तभी आ पाएंगे अगर तुमने एक्चुअल में खुद किया है उसमें कुछ। और इंटरव्यूअर भी देखो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, ऐसे तो है नहीं कि बस उठ के आ गए, तो उनको समझ में आ जाता है कि तुमने क्या सच लिखा है क्या झूठ लिखा है, तो वो चीज का ध्यान जरूर रखना, कुछ भी झूठ मत लिखना एकेडमिक प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में। आई थिंक झूठ लिखने से अच्छा कुछ मत लिखो, चाहे खाली रिज्यूमे खाली पेज सबमिट कर देना, झूठ मत लिखना, ठीक है। मतलब एक फन स्टोरी ये है कि मेरे भी एक दो फ्रेंड्स ने, जैसे मेरा एकेडमिक प्रोजेक्ट से दूर की बात है, जैसे मैं भी वर्क एक्सपीरियंस भी चलो लिख दिया, कई बार होता है प्रोजेक्ट नहीं होता तो लिख दिया और फिर इंटरव्यू में जाके फंस गए, तो उससे नेगेटिव इंप्रेशन ही पड़ा रहे भाई। जैसे तूने बोला राइट कि जो प्रोजेक्ट होता है वो एक सॉर्ट ऑफ यार बंदे ने वो जिंदगी जी है जिसने किया है राइट, तुम वो जी नहीं सकते यार। अगर तुम्हें लिखना भी है ना तो उठाओ वो प्रॉब्लम को खुद से करो, पूरा लिख दो और फिर लिख दो, कोई फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको जीना पड़ेगा तो ही तुम बता पाओगे, वरना फंस जाओगे यार। नहीं कोई कल को इंटरव्यूअर ने पूछ लिया तुमने MongoDB क्यों यूज किया है, तुमने Postgres क्यों नहीं यूज किया, तो क्या बोलोगे कि हां वो ट्यूटोरियल में यही बोला हुआ था इसलिए हमने कर लिया, जहां से कॉपी किया था उसने ये किया था इसलिए कर लिया। पूछ सकता है, हाँ वो ये पूछ सकता है कि यार इसकी जरूरत ही क्यों थी, यूआई में ये कर देते, तो तुम्हें पता ही नहीं है जब इंट्री केसेस जो भी हैं सारी, बहुत मुश्किल हो जाता है डिफेंड करना, इंटरव्यूअर समझ जाता है यार इसने उठाया है और वहीं पे क्रॉस लगता है। एंड अभिषेक और ऐसे क्या कॉमन मिस्टेक्स लगते हैं कि जो लोग करते हैं जनरली, क्योंकि देख तूने भी काफी रिज्यूमेस रिव्यू किए होंगे अपने जूनियर्स के, अपने बैचमेट्स के, मैं भी देखता रहता हूँ, तो और क्या कॉमन मिस्टेक्स ऐसी लगती हैं जो लोग करते हैं काफी? तो वही अगर मैं वही समराइज करूँ थोड़ा सा, आई थिंक हमने वैसे बात करी ली है, बट जनरली लोगों की यही मिस्टेक्स हैं, टेक्नोलॉजीज में भर के 20 टेक्नोलॉजीज लिख दी है, मुझे पढ़ के लगता है भाई मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, मेरे को ही नहीं कुछ आता, ठीक है। बहुत ही मुश्किल होता है, विंडोज उबंटू, विंडोज थोड़े अब तुमने बनाया है, मतलब बिल गेट्स ने क्या किया फिर, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ होता है लोगों ने। दूसरी बात, बहुत ही लेंथी वर्क एक्सपीरियंसेस लिखे होते हैं, ठीक है, हमने ये कर दिया, हमने बग फिक्स किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बग था, यार किसको फर्क पड़ता है क्या बग था, वो इम्पैक्ट बताओ बग का क्या था, ठीक है, बग फिक्स करके कुछ मेट्रिक्स बढ़ गया तुम्हारा, वो लिखो यार, वो पढ़ना है, ठीक है। फिर एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में भी, मैंने तो दुनिया बदल दी, मैंने ये बना दिया वो बना दिया, मैंने एक मेडिकल इमेजिंग सिस्टम बना दिया, ठीक है, वो ये करता था, इतनी उसकी 99% एफिशिएंसी थी, भाई 99 होती तो तुम अप्लाई थोड़े कर रहे होते, तुम्हें तो इन्वेस्टर्स के साथ बैठे होते तुम तो, ठीक है, ये सब बजट हटा दो, ठीक है। और फिर ना काफी लोगों ने बहुत ही मुश्किल चीज लिख दी होती है, एकदम कटिंग एज, ठीक है, और यार तुम्हें पढ़ के बाद चल जाता है ये बंदा फेंक रहा है, ठीक है, कुछ मतलब नहीं है उसका। अगर तुम्हें नहीं भी आता ना, इंटरव्यूअर को नहीं भी आता, तो भी वो पकड़ लेगा तुम्हें, हल्का सा बोल देगा यार ये बताना जरा कितने लोग थे, कैसे किया, कितने टाइम में किया, वो सब चीज, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए मैनेजर के साथ, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स लीड के साथ, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए इसमें, हाँ बिहेवियर क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे कि यार ये प्रोजेक्ट की टाइमलाइन ऐसी क्यों थी, ऐसी क्यों, ऐसा ऐसा। फिर एक चीज जो मिसिंग होती है, काफी लोग ना एकेडमिक प्रोजेक्ट्स का टाइमलाइन नहीं लिखते प्रॉपरली, तो आई थिंक अगर मतलब तू देखेगा, मतलब मैंने थोड़ा सा टाइमलाइन ट्राई किया है यहाँ पे राइट, तो मैं मतलब मंथ डे एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा एक टाइमलाइन बताओ, ठीक है, ताकि उस बंदे को पता हो कि हाँ यार ये 2-3 महीने का प्रोजेक्ट था राइट। अब जैसे तुमने लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम बनाया, तो बड़े से बड़ा भी हो सकता है, छोटे से छोटा भी हो सकता है राइट। तो अगर तुम एक ड्यूरेशन लिखते हो तो उसे एक इंटरव्यू को रफ आइडिया लग जाता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड अकॉर्डिंगली फिर क्वेश्चन बन जाते हैं, आई थिंक ये ही बस। और अकेडमिक प्रोजेक्ट्स वाली चीज पे और जो भी तुम्हारे साइड प्रोजेक्ट्स हैं उस पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि लेट्स से तुमने कुछ बनाया है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, कुछ ऐप बनाई है या कुछ वेबसाइट बनाया है, तो उसका लिंक यहाँ पे जरूर डाल देना ताकि लोगों को एक्चुअल में दिखे कि तुमने क्या बनाया, तो नहीं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद मतलब बनाया भी है या नहीं बनाया, थोड़ी हवा में बातें लगती हैं कि अगर तुम्हारे पास लिंक हो उसका कि ये वेबसाइट बनाया है, ये फ्रंट एंड बनाया है, तो वो इसमें लिख देना। जनरली अगर कोई कंपनी का काम है वर्क एक्सपीरियंस में तो शायद ना लिख पाए लोग क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी और वो सब चीजें आ जाती हैं, बट अगर खुद का कुछ बनाया है तो वो जरूर लिखना है यहाँ पे। एक पॉइंट मैं हल्का सा ऐड करना चाहूंगा कि मैंने गूगल में एक्चुअली एक बार पहले भी अप्लाई किया था, ठीक है, आई थिंक 2018 और समथिंग में, तो मेरा रिज्यूमे रिजेक्ट हो गया था, एंड द ओनली थिंग मिसिंग वाज इंपैक्ट, तो बस इस बात आई थिंक
अगर इस वीडियो पे लेट से 10,000 लाइक्स आए, फिर हम वो भी रिज्यूमे दिखाएंगे जिसमें जिसे अभिषेक रिजेक्ट हुआ था, ताकि पता चले कि क्या गलतियां हम कर सकते हैं, क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है, सही है, सही। तो अभिषेक को अगर दोबारा देखना चाहते हो एक वीडियो में, चौथी बार देखना चाहते हो चैनल पे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। And thank you Abhishek again for being in the video and thank you so much for to our viewers for watching the video. कुछ भी अगर doubts हैं तो comment section में पूछ लेना या Abhishek को reach out कर लेना LinkedIn पे या मुझे reach out कर लेना। So I hope आप सबको ये video अच्छा लगा and अगर आपको भी Abhishek के जैसा बहुत ही एक attractive interesting resume बनाना है, review करवाना है, तो जल्दी से जाके resume school check out करो, जहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया सा resume मिल सकता है, उसके साथ साथ आपको एक ड्रीम जॉब आपकी भी मिल सकती है। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड रिज्यूमे स्कूल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।